हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 250 फीट पर निकला पानी, कॉलोनी वासियों के चेहरे के लिए विधायक कोष से खुद रहे बोरवेल, पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार ब्यास की मेहनत रंग लाई। सोजत रोड कस्बे में विधायक कोष से खुदी तीसरी बोरवेल। सोजत रोड कस्बे में पेयजल को तरस रहे ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर तुरंत समाधान करवाने के लिए ग्रामीणों ने सोजत विधायिका शोभा चौहान व पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास का आभार जताया। कस्बे में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा था। जलदाय विभाग को कई बार अवगत करवाने के बाद भी जब समाधान नहीं निकला तो ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास के पास गुहार लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद व्यास ने सोजत विधायिका शोभा चौहान को ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत करवाया। विधायिका ने कस्बे में पेयजल के लिए तरस रहे ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों से पेयजल व्यवस्था से वंचित कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे, जिससे अधिकारी हरकत में आए तथा कस्बे में पेयजल से वंचित कॉलोनियों में बोरवेल खुदवाना शुरू किया था। पिछले दिनों कस्बे के शिव कॉलोनी व माताजी नगर में बोरवेल खोदे गए थे। इसी क्रम में आज कस्बे के शास्त्री नगर में भी बोर किया गया, जिसमें मात्र 250 फीट पर पानी निकल गया। पानी देखकर शास्त्री नगर के लोगों के चेहरे खिल गए, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास व सोजत विधायक शोभा चौहान का आभार जताया। इस दौरान वार्ड पंच दलपत सिंह परिहार, कैलाश तिवारी, नारायण लाल मांडी, नरेश कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास ने बताया कि कई मोहल्ले वासियों को पीने के पानी लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब कस्बे के माताजी नगर शिव कॉलोनी में बोरवेल खोद दिए गए हैं तथा शास्त्री नगर में भी बोरवेल में पानी निकल गया है, जिससे अब कॉलोनी वासियों को पेयजल के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।